नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास। आरपीटीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों और सहयोगियों का हार्दिक आभार। बड़वानी जिले के राजपुर में सब्जी बेचने वालों के साथ की आला अधिकारियों ने मारपीट। उक्त सचिन कुशवाहा और गेंदाराम कुशवाहा और अन्य के साथ की गई है आज मारपीट। वहीं गेंदाराम कुशवाहा का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिन्हें बड़वानी रेफ़र किया गया है। उनका आरोप है कि मुझे राजपुर SDM ने मारा है। वहीं सचिन कुशवाहा जो भी वही सब्जी विक्रेता है, उनके साथ भी मारपीट की गई है। उन्होंने वहीं राजपुर CMO के ऊपर आरोप लगाया है। जिस प्रकार से इन दोनों को मारा गया है, मानव अधिकार का उल्लंघन दिख रहा है। अगर इन्होंने कुछ गलती की थी तो इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करना चाहिए थी। इस प्रकार से हाथ तोड़ना यह कानून की दृष्टि से सही नहीं है। आपका गेंदाला कहाँ रहते हो? राजपुर। क्या घटना हो गई आपके साथ? ठेला गाड़ी से माल बेच रहा था। काय का माल बेच रहे थे? ठेले गाड़ी। नहीं, कौन सा माल? सब्जी। हाँ, फिर क्या हुआ? सब्जी बेच रहा था, टाइम उसका 10 का था, तो 9 बजे ही मार। किसने मारा? कौन अधिकारी? एडीएम साहब। कहाँ मारा आपको? बाजार में। नहीं, कहाँ चोट आई है? हाथ में, हाथ टूट गया। हाथ टूट गया, क्या बोलेंगे? सी जाने की किस काय से मारा आपको? डंडे से। सचिन कहाँ रहते हो? राजपुर भगवानी रोड। नहीं, क्या काम करते हो आप? सब्जी का ठेला चला। क्या घटना हो गई आज आपको? सर, हम सब्जी का ठेला घर ले जा रहे थे तो आके डंडा मार दिया। किसने मारा? किस अधिकारी ने? CMO साहब ने। खुद CMO थे क्या? राजपुर CMO खुद थे? हाँ सर। कहाँ मारा आपको? यहाँ हाथ में। क्या हो गया, फ्रैक्चर हुआ? सर बता दिया अभी तो। क्या? हाँ सर। क्या नियमों का पालन नहीं कर रहे थे आप? आपको मारा? नहीं सर, कर रहे थे ना। 9:10 का टाइम है तो 9 बजे हम तो घर ले जा रहे थे ठेला खींच के। कहाँ रहते हो? राजपुर। क्या घटना हो गई पापा के साथ? पापा बाजार में सब्जी बेच रहे थे, टाइम दिया हुआ है 10 बजे का, और 9 बजे आके मार रहे हैं, फिर भी जा रहे थे घर, फिर भी जबरन उनको हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया है। अभी बड़वानी अस्पताल में एक्सरे करवाने आए हैं, एक्सरे करवा लिया। एक छोरे को मारा हुआ है। किसने मारा है? SDM साहब ने। उसको छुरे का हाथ पे चोट आई है। हाँ, वो भी ठेला गाड़ी लेके घर ही जा रहा था तो उसको भी हाथ में चोट आई है, उसका भी एक्सरे करवाया है। SDM साहब ने मारा है। मनसाराम पंचोले, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। क्या घटना हो गई आज राजपुर में? राजपुर में ये घटना घटी भाई साहब, सब्जी मंडी में एक किसान के साथ में ठेला गाड़ी पे सब्जी बेच रहा था तो SDM महोदय के द्वारा डंडा लेके उसको पीटा गया, उसका हाथ तोड़ दिया गया और एक किसान को CMO द्वारा मारा गया। CMO है राजपुर नगर पंचायत, उनके द्वारा मारा गया। क्या नाम है किसानों के? एक किसान का नाम गेंदालाल है, सचिन कुशवाहा और गेंदालाल कुशवाहा। और इसके पूर्व में परसों भी किसानों के साथ में मारपीट करी थी। ये क्या लॉकडाउन का नियमों का पालन नहीं कर रहे थे क्या किसान? सब किसान अपना लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, डिस्टेंस में रह रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने किसानों को, मतलब किसानों के साथ मारपीट करने, अन्य लोगों के साथ नहीं मारपीट कर रहे उनको। टाइमिंग के पहले मारपीट की, जो टाइम दे रखा है शासन ने। टाइम क्या, कोई ऐलान से नहीं होता उनका, कोई समय सारणी नहीं है। जब आना उन्होंने भगा देना, मारना ठोकना, कोई अनुसार समय सीमा कोई नहीं है। क्या आगे क्या कार्रवाई करेगा किसान? आगे कार्रवाई ये करेंगे भाई साहब, हम कलेक्टर महोदय से भी और SP महोदय से मिलने को समय ले रखा हमने, तभी SP महोदय को हम मिलेंगे और कलेक्टर महोदय से बातचीत होगी मेरी, उनसे चर्चा करेंगे। और इस अधिकारी के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। इसको किसने अधिकार दिया है? मानव अधिकार मारने का अधिकार SDM महोदय को किसने दिया? कोई न्यायालय ने आदेश थोड़ी किया किसानों को आपने मारना डंडे के बल पे, मतलब डंडे के बल पे, मतलब अंदर किसानों को रखना है। मानव अधिकार नियम का उल्लंघन कर रही है। मानव अधिकार का हो ही रहा वो तो उल्लंघन। इसके पूर्व में 2 दिन पहले भी 4 किसानों को मारा था, उस नगर पंचायत के अधिकारियों ने मारा था। उसकी सूचना मैंने कलेक्टर महोदय को व्हाट्सएप के जरिए दी रखी। आज वो किसान भी बाहर, मेरे पास 2 किसान बाहर भी खड़े, वो भी साथ में आए हुए। ये गेंदालाल जी का क्या हुआ? सर, अभी 2 पेशेंट आए थे हमारे पास, एक गेंदालाल पिता रघुनाथ और एक का नाम है सचिन पिता कैलाश, जिसको दोनों ही को सीधे हाथ में सूजन बताया गया था, सूजन और दर्द था, जिसको हमने आगे उपचार के लिए बड़वानी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के लिए भेजा।